चीन में 11,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी सुल्तान। हर दिन होंगे 40,000 शोज। इससे पहले आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार ने वहां कुल 7.5 बिलियन यानी 750 करोड़ रुपए की कमाई की थी। चाइनीज मार्केट ने सलमान खान और अनुष्का शर्मा स्टारर सुल्तान को 11,000 स्क्रीन दिए हैं। 2 साल पहले इंडिया में वह 4,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। चीन में 11,000 स्क्रीन की पुष्टि खुद यशराज के इंटरनेशनल ऑपरेशंस के वाइस प्रेसिडेंट अवतार पिनेसर ने की है। फिल्म वहां चाइनीज सब टाइटल्स के साथ रिलीज होगी। भारतीय फिल्मों के लिए उभरता मार्केट बना चीन, अवतार ने कहा। भारतीय सिनेमा के लिए चीन बिना किसी शक के एक नई सरहद बन गया है। वह इसलिए कि हिंदुस्तानी फिल्में भी वहां हिट हो रही हैं। इस तरह हमारी फिल्मों की सरहद अब वहां तक पहुंच चुकी हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। इससे साबित हुआ है कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती। वहां के लोगों ने हमारी फिल्मों को बेपनाह मोहब्बत दी है। इसके लिए जाहिर तौर पर हम वहां की ऑडियंस और वहां की अथॉरिटीज के शुक्रगुजार हैं। हमारी फिल्मों की ताकत ह्यूमन और इमोशनल स्टोरीज रही हैं। ये दुनिया के हर कोने में एक सी होती हैं। चीन में हमारी उन कहानियों को वैलिडेशन मिलना अपने आप में बड़ी बात है। हम दोनों देशों के बीच आर्ट का रिश्ता यूं ही मजबूत और गहरा होता जाएगा। डायरेक्टर अली अब्बास जफर भी चीन में फिल्म की रिलीज को लेकर बड़े उत्साहित हैं। उन्होंने बताया, जब कभी आपकी फिल्म नई जगह रिलीज होती है तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। चीन भारतीय फिल्मों के लिए उभरता हुआ मार्केट है। 31 अगस्त से सुल्तान को वहां क्या रिस्पांस मिलता है, उसको लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। सनी लियोनी का नया वीडियो वायरल। घने जंगल में झरने के नीचे नहाते हुए आई नजर। 20,000 गाने गा चुके कुमार सानू को आज बेटी शेनन की वजह से लोग हॉलीवुड में पहचानते हैं। 45 के जॉन अब्राहम एक ही फिल्म में बन रहे 26 साल के जवान और 85 साल के बुजुर्ग बदलेंगे इतने चेहरे की याद रखना होगा मुश्किल।